राजसमंद से। राजसमंद जिले के देवगढ़ में हिंदी फिल्म के अभिनेता मिलिंद सोमन और उनकी पत्नी अंकिता मुंबई से रवाना होकर बड़ौदा से गो ग्रीन मिशन के तहत गुरुवार को देवगढ़ साइकिल राइडिंग करते हुए देवगढ़ महल में पहुंचे। देवगढ़ राजघराने अपूर्व राज राव वीरभद्र सिंह की पत्नी नम्रता देवी व उनकी पुत्र वधु कृतिका चुंडावत ने बॉलीवुड के सुपरस्टार का मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर रजवाड़ी तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। एक रात देवगढ़ महल में विश्राम किया, दूसरे दिन सुबह साइकिल ड्राइविंग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित पिट स्पॉट रेस्टोरेंट पर जाकर सुबह का ब्रेकफास्ट किया गया। रेस्टोरेंट में पूर्व राजघराने के सदस्य मयूर ध्वज सिंह द्वारा रेस्टोरेंट की विजिट करवाई गई। रेस्टोरेंट देखकर अभिनेता मिलिंद सोमन और उनकी पत्नी अंकिता अद्भुत रह गई। फिल्म अभिनेता मिलिंद सोमन ने बताया कि मैं एक रात देवगढ़ महल में रुका, वहां का प्रोफेशनल स्टाफ रजवाड़ी तरीके से मेरा स्वागत, वहां का खाना, महल की बनावटी इमारतों को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैं मेरे जितने भी बॉलीवुड स्टार हैं उनको देवगढ़ के बारे में जाकर बताऊंगा। इसके साथ ही पिट स्पॉट रेस्टोरेंट जो इन्होंने अंदर से डाइनिंग टेबल जो कार का लुक देकर कई सैलानियों को पसंद आएगा, मैं भविष्य में दोबारा जब भी देवगढ़ आऊँगा तो इसी महल और पिट स्पॉट पर विश्राम करूँगा। इसके बाद नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग 8 से साइकिल राइडिंग करते रवाना हो गए। उदयपुर से पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम के लिए सहयोग है ऋषभ जैन, उनके साथ ही भी साइकिल राइडिंग से सहयोग कर रहे हैं। कामली घाट से आज रवाना होकर साइकिल राइडिंग करते हुए दिल्ली में समापन करेंगे। इस मौके पर अजीज खान, धीरज वैष्णव, भवानी सिंह, गोपाल सिंह, प्रकाश सालवी, महेंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह सोढ़ा, प्रकाश चंदू सालवी आदि मौजूद रहे।